उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डबल डेकर बस बिहार के शिवहर से दिल्ली जा रही थी, तभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर लोग जो हैं वो मोतिहारी के हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने घायलों को उचित इलाज कराने के निर्देश भी दिए। उन्नाव बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस के कागजों में दर्ज पता फर्जी निकला है। किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है बस और महोबा जिले में किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली के पहाड़गंज से चल रही थी बस, दिल्ली का चंदन जायसवाल चलवा रहा था इस बस को और जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला है और जो पता मिला है वो भी फर्जी निकला है। तो आज सुबह ही एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस और चालक की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद में अब जब बस के कागज को जांचा गया तो पता चला कि जो एड्रेस इसमें पाया गया वो फर्जी है। इसके अलावा कुछ और भी खामियां मिली हैं। बस का परमिट भी नहीं था और बीमा भी नहीं था। अनुज गुप्ता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, पता भी फर्जी है, इसके अलावा परमिट और बीमा भी नहीं है, और क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, पूरी जांच में जिस तरह से पूरे मामला बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए जब जो आरटीओ के अधिकारियों पुलिस के अधिकारी उन्होंने जब बस की जो बस में नंबर दर्ज है वो केसी जैन जैन ट्रेवलर के नाम से है और जो उसमें पता दर्ज किया गया है वो पता पूरी तरह से फर्जी। जब पुलिस ने उससे बात करी तो उसने बताया कि वो हम खेती किसानी करते हैं, हमारे पास कोई बस नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फर्जी तरीके से बस का बस जो एड्रेस डाला गया वो पता कि कहीं कोई हादसा होता है तो उसकी लाइबिलिटी ना आए। वही पुलिस ने जो जांच करी उसमें बीमा भी अप्लाई हुआ है जो बीती 13 फरवरी को एक्सपायर हुआ है। अब फिलहाल जो आगे प्रवर्तन के अधिकारी है अरविंद कुमार सिंह वो अब से कुछ ही देर में बेटा मुचलावर थाने में बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो जांच शुरू हो चुकी है, कुछ बड़े खुलासे आगे भी हो सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अनुज आपका। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है हादसे के ठीक बाद की, जब मौके पर हड़कंप मच गया था। अफरा तफरी की स्थिति भी देखी गई क्योंकि 18 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची, सभी को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, दो लोगों को रेफर भी किया गया। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 19 घायल हैं, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को लखनऊ रिफर किया गया है। इस तरह न्यूज 18 मौके पर मौजूद है। जो ये तस्वीरें हैं वो दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। जो बस का अगला हिस्सा है दाएं तरफ का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अब बसों में अपना सामान खोज रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बस में सवार यात्री थे उनको टोल प्लाजा के पास में रोका गया है, वो अपना सामान यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। किसी का मोबाइल खो गया है तो किसी की चप्पल, किसी का चार्जर रह गया है तो किसी का बैग। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, बेटा मुजावर पुलिस यहाँ पर तैनात है और जो जिसका सामान है उसकी सुपुर्दगी का प्रयास कर रही है। हम बात करते हैं कैसे क्या हादसा हुआ, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, कैसे क्या हादसा हुआ। अरे भाई हम लोग तो सोए थे, कहाँ बताओ कैसे क्या हादसा हुआ, सोए थे हम लोग तो अचानक एक बार आँख खुलाइए, लोग सब चीख रहे थे, इसमें तो उतर के भागे, बच्चे को बचाए, मोबाइल खो गया उसमें, मोबाइल ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्नाव में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
तो प्रधानमंत्री ने भी उन्नाव सड़क हादसे पर दुख जताया। उन्होंने पोस्ट किया कि उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है, इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे और इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। तो आज सुबह यह हादसा हुआ था जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है पीड़ितों की और उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ में हैं। सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने पोस्ट किया कि उन्नाव में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ में है। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव उपचार उपलब्ध करवा रहा है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो साथ ही मायावती ने भी ट्वीट किया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा अति दुखद, पीड़ित परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं, ऐसी दुर्घटनाओं में मौतों को रोकने के उपाय जरूर किए जाएं।